नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर इंद्रेश कुमार जी हमारे साथ है। पुणे में 3 दिन की समन्वय बैठक हुई है, क्या कहते हैं, क्या कुछ हुआ, बात करते हैं इंद्रेश जी से। सर कैसे लगा आपको 3 दिन पुणे में थे? ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समन्वय बैठक थी आज, उसकी पत्रकार वार्ता में और सब प्रकार के प्रश्नों के बारे में जानकारी दे दी गई है, सो इट इज सो सफिशियंट। अभी जो भारत में चल रहा है और जो भारत और इंडिया का नाम को लेकर एक अलग चर्चा शुरू हो गई, इसके बारे में आपको कहते हैं? भारत युगों से इसका मूल नाम है, इसका नाम आर्यव्रत इसलिए हम आर्य भी कहलाए, इसका नाम हिंदुस्तान इसलिए हिंदुस्तानी भी कहलाए, इसका नाम हिंद हम हिंदू भी कहलाए, इसका नाम इंडिया आया तो इंडियन भी कहलाए। मेकिंग द कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ द नेम्स, इट इज बैड लक, ये नहीं करनी चाहिए, जरूरत भी नहीं है। वी रिस्पेक्ट ऑल द नेम, पर भारत इज द ओरिजिनल नेम, सो एवरीबॉडी शुड फील ऑफ प्राउड ऑफ दैट नेम। भाजपा के 9 साल हुए सत्ता के, अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में जो चर्चा है कि इस दौरान काफी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और तनावपूर्ण माहौल बनता जा रहा है। ऐसा है कि पत्रकार ये बताते हैं मोदी इज लीडिंग द इलेक्शन, पर जो नाम बड़ा हो रहा है भारत का पूरे दुनिया भर में, अभी G20 समिट हुआ है, शिखर समिट हुआ है, उसमें भी जो देश आए हैं और UN में भी भारत का नाम आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और इसके लिए मोदी जी को श्रेय दिया जा रहा है। G20 में भारत के नेतृत्व को दुनिया ने माना है, लीडरशिप ऑफ पीस, लीडरशिप ऑफ लव, लीडरशिप ऑफ डेवलपमेंट, ये उसकी कमिटमेंट थी। भारत ही है जो दुनिया को युद्ध मुक्त, दंगा मुक्त, प्रदूषण मुक्त, छुआछूत मुक्त, जेंडर शोषण से मुक्त और इसी के साथ साथ जो गरीब दुखी पीड़ित कमजोर और दिव्यांग है उसकी मदद वाला पेश कर सकता है, इसलिए भारत को यह गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए G20 को इस मामले में सफलतम माना जाए। जब कोई भी भारत का ऐसा व्यक्ति नहीं है, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का और किसी भी दल का हो, उसका विश्व के अंदर गौरव बढ़ा है। आने वाले दिनों में विशेष सत्र बुलाया गया है और वो नए संसद भवन में होना है, ऐसे में चर्चा और तर्क लगाए जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन या और कुछ भी मोदी जी ला सकते हैं। ऐसा है कि टाइम इज नियर, जो होगा सबके सामने आ जाए। UCC के बारे में आपका क्या विचार? ऐसा है कि एक बात बहुत साफ सी है, हम सब इस देश के समान नागरिक हैं, इसलिए वन नेशन वन पीपल सो द वन लॉ। परंतु एक बात पक्की है, सरकार ने बहुत साफ कहा है और यूनिफॉर्म पर जो कमीशन बैठा है उसने भी बहुत साफ कहा है, किसी भी जाति की धर्म की कोई भी जो विशेषताएं हैं उनको छुआ नहीं जाएगा, उसकी फुल फ्रीडम थी है और रहेगी। इसलिए किसी भी जनजातीय को, अनुसूचित को या किसी भी रिलीजन के लोगों को भड़काने की जरूरत नहीं है और उनको भड़कने की नहीं जरूरत है, सबका सम्मान यह हर हालत में उसमें कायम रहेगा। अनंत काल से सनातन जो धर्म है उसके ऊपर जो विवादास्पद टिप्पणी की है स्टालिन ने और भी कुछ नेताओं ने, उसके बारे में आपको क्या लगता है? ऐसा है कि जिन्होंने सनातन पर टिप्पणी की है उन्होंने अपने फोर फादर्स को भी अब्यूज किया है, जो हो चुके जो हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी किया है। प्रश्न खड़ा होता है, लालू भी सनातनी है, अखिलेश भी सनातनी है, केजरीवाल भी सनातनी है, उद्धव भी सनातनी है, शरद पवार भी सनातनी है, ममता भी सनातनी है और स्वयं जिन लीडरों के बच्चों ने कहा है वो परिवारों के भी लोग सनातनी हैं, तो वही जवाब दें कि क्या वो डेंगू हैं, क्या वो मच्छर हैं, क्या वो कोढ़ हैं। मुझे ये लगता है जिन्होंने सनातन पर ये आरोप लगाया उन्होंने अपने परिवारों का और अपने नेताओं का घोर अपमान किया है जो अशोभनीय और निंदनीय है। डॉक्टर बाबा साहब, इसी के साथ साथ और जिस देश का बेसिक संविधान है, केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर दुनिया के जितने भी मतपंथ हैं उनको स्वीकार भी किया गया है और सम्मान भी दिया गया है,
इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। इसलिए हर नेता ने, हर आदमी ने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए भारत का संविधान मानवीय संविधान ये कहता है, अपने अपने रिलीजन पर चलो, हर दूसरे रिलीजन के अंदर इंडल्ज मत करो, उसकी आलोचना नहीं करो, बल्कि उसका भी सम्मान करो। धर्मांतरण नहीं, धर्मों का सम्मान, धर्मों का आलोचना नहीं, धर्मों का सम्मान, यह भारत की रीत रही है और रहेगी। इसलिए सब नेताओं को सावधानी पूर्वक इस कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल ड्यूटी को निभाना चाहिए। संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने तो सनातन को बहुत स्टबन ऐसा धर्म कह दिया। ऐसा है कि युगों से जो धर्म चल रहा है उसको गाली देना ये शोभा नहीं देता है। इसलिए मैंने कहा कि पूज्य बाबा साहब ने सब धर्मों के सम्मान का और संविधान दिया है। भारत का मौलिक संविधान सदा से ये रहा है, युगों से रहा है, रिस्पेक्ट ऑल, क्योंकि मार्ग अनेक होंगे पर गंतव्य सबका एक ही है। कोई गॉड कहेगा, कोई अल्लाह कहेगा, कोई खुदा कहेगा, कोई वाहेगुरु कहेगा, कोई ईश्वर परमेश्वर परमात्मा कहेगा, कोई परवरदिगार कहेगा, मालिक एक है, मार्ग अनेक है, रिस्पेक्ट ऑल दी वेज। ये थे इंद्रेश कुमार जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर आरएसएस, बात कर रहे थे अनेक विषयों पर, खास करके भारत इस नाम का जो विवाद है वो होना नहीं चाहिए, ये भी उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।